देख रहे प्राइम टीवी न्यूज 6 सच का साथ। सुबह की खबर बागड़ में उन्नाव से आ रही है, जहां पर हैदराबाद शिक्षकों को दरोगा पवन पाठक हरिजन एक्ट धाराओं में फंसाने को दे रहे धमकी। देखिए हमारी पे रिपोर्ट। उन्नाव वंदना सिंह शिक्षिका पत्नी अनिल सिंह, जो कि निवासी ग्राम भोगला थाना हसनगंज की है। वंदना सिंह हैदराबाद नगर पंचायत में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका भी है, इसलिए शिक्षिका वंदना सिंह पत्नी अनिल सिंह कस्बा हैदराबाद हरी चौराहे पर अपना निवास करती है। शिक्षिका वंदना सिंह दिनांक 22 सितंबर को अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने आवास से प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रस्थान कर रही थी। उसी दौरान सुमित पुत्र सुरेश निवासी मोहल्ला सुभाष नगर हैदराबाद में अपनी मोटरसाइकिल सवार होकर जा रहा था। अचानक एकाएक सुमित वंदना शिक्षिका की मोटरसाइकिल में टक्कर मार देता है, जिससे शिक्षिका वंदना सिंह को गंभीर चोट आई, जिसकी रिपोर्ट चौकी प्रभारी हैदराबाद ने नहीं दर्ज की। फिर वंदना सिंह रिपोर्ट थाना आसीवन में दर्ज कराई थी। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं आप? हैदराबाद। हैदराबाद क्या करती हैं आप? जी मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती हूँ। किस कहाँ पे? हैदराबाद। तो क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला हुआ? हैदराबाद से स्कूल आ रहे थे दोनों लोग, हम लोग जी, और वो लड़का एक था सुमित नाम का। अच्छा। मोहल्ला शास्त्री नगर में उसने, हम लोग किनारे किनारे चल रहे थे, उसने टक्कर मार दी जी बहुत तेज इनको, तो सिर में गंभीर चोटें आ गई। ये देखिए पैरों में बहुत ज़्यादा चोटें आ गई, एक तरफ फटा हुआ है। तो उसके, उसका घर उसके पास में था जी, तो उसके घर के बहुत सारे लोग आ गए जी। मैंने उसके, उसकी मोटरसाइकिल पकड़ ली, तो उसके घर वाले आ गए, उसको छुड़ा के उसको भगा दिया। जब वो जाने लगा तो धमकी दे गया कि अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई करोगे तो तुमको बुरी तरह से हरिजन एक्ट वगैरह के मुकदमे में फंसा दूंगा, बहुत बुरी तरह से। मेरी यहाँ पे शिकायत भी नहीं ली चौकी इंचार्ज ने, मैं चौकी हैदराबाद के चौकी इंचार्ज। क्या नाम है उनका? पवन कुमार पांडे। पवन पाठक। पवन कुमार पाठक वहाँ गए, उन लोगों ने मेरी कोई नहीं सुनी। तब हम लोग थाने पे गए दोनों लोग जी, वहाँ पे मैंने थाना अध्यक्ष से अपनी परेशानी बताई, तब उन्होंने मेरा मुकदमा लिखा। मुकदमा लिखा ही रहे थे तभी पीछे से चौकी प्रभारी हैदराबाद पहुँच गए वहाँ पे थाने पे, और इनसे कहने लगे हम दोनों लोगों से वहाँ पे कि मुकदमा मत लिखाइए, नहीं तो आपके खिलाफ मैं मुकदमा लिखवा दूंगा। मैं सुमित से कहकर हरिजन एक्ट का। अच्छा। वो बहुत बुरे फंसोगे दोनों लोग। अच्छा। मुझे धमकाया जा रहा है, वापस ले लीजिए आपने अपनी। कौन धमका रहा है आपको? जी ये पवन कुमार पाठक चौकी प्रभारी जो हैदराबाद के। क्या धमका रहे हैं आपको? मेरे से कह रहे हैं अपना मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं तो हरिजन एक्ट लगवा दूंगी। अच्छा। और मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे परेशान करते हैं। कौन परेशान करता है आपको? ये पवन कुमार पांडे। पवन पाठक पीछे सजा के तरह तरह के गाने उल्टे सीधे गंदे गंदे, और तरह तरह के कमेंट बोलते हैं उल्टे सीधे, जिनकी शिकायत उन्होंने मुझसे कई बार करी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो दरोगा है। अच्छा। की शिकायत ना की जाए। तो दरोगा साहब जो है ना आपको परेशान करते हैं? जी सर, पिछले 2 साल से लगभग परेशान कर रहे हैं हैदराबाद में रहकर, हम लोगों का जीना दुश्वार की है वहाँ हैदराबाद में। अच्छा। तो इसकी शिकायत आपने? ड्यूटी लगी थी एक दिन तो मैंने इनसे शिकायत की, तो ये वहाँ आ गए और मतलब काफी लड़के थे तो इन्हीं ने भेजा था, तो फिर खुद आ गए तो कह रहे मैं वॉलीबॉल खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, देखें क्या तरह तरह इनको देख के मुस्कुरा रहे होंगे और ऐसे से बात कर रहे होंगे। अभद्र व्यवहार कर रहे थे मेरे साथ कि मुझे बहुत गुस्सा आई, तो मैंने एसडीएम साहब को भी बुला लिया, एसडीएम हसनगंज को बुलवाया। अच्छा। तो जब तक एसडीएम साहब आते आते तब तक ये चले गए, और उस दिन से मेरे से और खुंदक खा रखी है इन्होंने। तो ये जो मैंने मुकदमा लिखाया है जी, ये रंजिश निकाल रहे हैं, ये रंजिश निकालो, ये मेरे पक्ष में बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगे, मेरे विपक्ष का ही पूरा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा। आज 3 दिन हो गए, इन्होंने अभी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करा है, बल्कि उसको ले लेके इधर उधर जा जाके मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पैसे मेरे ख्याल से उस पार्टी से पैसे ले चुके हैं ये। आपसे भी कुछ मांगी? नहीं, मुझसे पैसे तो नहीं मांगे, लेकिन कह रहे थे आप लोग परेशान मत होइए और मैं आपका मामला निपटवा दूंगा। अच्छा। और सुलह का दबाव? जी कह रहे थे अगर नहीं कराओगे मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगा दोनों लोगों के खिलाफ हरिजन एक्ट का, उसको 75,000 रुपये दिलाऊंगा। अच्छा। सुमित को 75,000 रुपये दिलाऊंगा तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा के हरिजन एक्ट का। ये इस तरह से आए दिन, कल मेरे दोपहर में मेरे पास फोन आया उनका। किसका फोन आया? ये चौके प्रभारी का जी, और फोन करके मुझे बुलाया। अच्छा। चौराहे पे वहाँ बुला के मुझसे कह रहे थे कि ऐसा करिए कि या तो कुछ खर्चा पानी दीजिए, नहीं तो आप दोनों लोग जाएंगे जेल। अच्छा। इस तरह धमका रहे हैं, नहीं तो अपना मुकदमा वापस लीजिए। मुझे तो आराम की जरूरत है ऐसी हालत में जी, लेकिन मुझे कहीं आराम नसीब नहीं हो रहा है, इनके चक्कर में मुझे भागना पड़ रहा है इधर उधर। आपने क्या नाम है, हम लोग कहाँ कहाँ शिकायत की अभी तक आपने? अभी मैंने थाने में ही शिकायत करी है जी। और आज मैं जब मेरी वहाँ से अभी उसकी लड़की की गिरफ्तारी नहीं भई है सुमित जी, तब आज मैं कप्तान साहब से मिलने आया था जी, लेकिन कप्तान साहब मिले नहीं है जी, तो मैं कल फिर आऊँगा वापस जी शिकायत लेकर, और मैं सीओ बांगर मऊ भी जाऊँगा शिकायत लेकर अपनी, मेरी कहीं नहीं सुनी जाए, मुझ पर बेवजह का फर्जी दबाव बनाया जा रहा है।
लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को